मानहानि मामले में बुरी तरह फंसे मल्लिका अर्जुन खड़गे बजरंग दल की पीएफआई से की थी तुलना, पंजाब कोर्ट ने भेजा समन। धोनी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, माही नहीं कहेंगे अब आईपीएल को अलविदा। चेन्नई के सीईओ काशी विश्वनाथन ने धोनी के अगले आईपीएल खेलने की जताई उम्मीद। ब्रजभूषण सरन सिंह के प्रभाव वाली कैसरगंज नगर पालिका सीट पर बुरी तरीके से हारी बीजेपी, मिले सिर्फ 160 वोट। जालंधर चुनाव के बाद पंजाब में बढ़े बिजली के दाम, अब 100 यूनिट तक के लिए 4.64 रुपए से बढ़ाकर 5.34 रुपए तक चुकाने हैं। पटना के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार हुआ शुरू, धीरेन्द्र शास्त्री खोल रहे भक्तों का पर्चा। कम काम करने वालों की अब नहीं चलेगी मनमर्जी, दिल्ली एम्स का बड़ा फैसला, अब सभी फैकल्टी डॉक्टरों को करना होगा एक समान काम। नर्सरी की बच्ची के साथ छेड़छाड़ के बाद स्कूल में हुआ हंगामा, आरोपी चपरासी हुआ गिरफ्तार, दिल्ली के रोहिणी नगर की यह घटना। तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद सुरक्षा एजेंसी हुई अलर्ट, एनसीआर की 12 गैंग के करीब 25 गुर्गों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर। सगाई के बाद परिणीति चोपड़ा ने फैंस और मीडिया का किया शुक्रिया, लिखा इतने प्यार और पॉजिटिविटी से बेहद खुश।